मुझे कल एक जानकारी दी बाबूजी ने, टीवीएस ग्रुप है ना, टीवीएस जो यहां का चेन्नई का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रुप में उनकी गिनती है, उनके घर वो भोजन करने गए थे। ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि उनके घर में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं। माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी, समय बहुत लगता है जी, क्या उसको खटराक करने का। ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटें हैं ये कभी नहीं आए, इस दृष्टि से इस उदाहरण का बहुत महत्व है। और ये उदाहरण मैं हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूं। आपको सुनकर हैरानी होगी, धीरूभाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पे ही बनती है। एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पे रोटी क्यों बनाती हैं, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। ये ऐसा मैंने जानबूझ के बोला, हम तो ऐसा मानते हैं कि आप 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन की रोटी माने तवे की। तो कोकिला बहन ने कहा कि जो जो कहे मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रोटी बनाते हैं। पूरे गुजरात में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, अभी भी एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो मिट्टी के तवे पे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और मैं विनम्र रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है। मान लो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं, 112 करोड़ लोगों में 20 करोड़ परिवार है, 20 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ रसोई घर है। अगर 20 करोड़ रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड़ तवा बनने लगेगा और लाखों कुम्हारों को रोजगारी मिल जाएगी। तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिट्टी से आपका जुड़ाव रहता है, मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो कल बहुत ज्यादा बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में, आज मैं थोड़ी सी बात करता हूं कल से जुड़ी हुई रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पवन का स्पर्श नहीं होगा, आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती है उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिक्शनरी खरीद लें केमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने ही लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए, बहुत प्रेम है आपको इससे, तो आप मर जाएंगे। शाम नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी, मिनट में मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ, 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक। अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैस है। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं तो माफ कीजिए, आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए,
सबसे अच्छा है बंद करिए और मेरी बात माने तो बेच दीजिए, क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है, लालच पता है क्या, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन सवेरे, अगले दिन का शाम को, ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर में खाने का पोषकता का नाश होता रहता है। और मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। ठंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबोहवा, आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में 6-6 महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते, 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों में, तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई, हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें, घटा सकें, इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है, तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे इसके लिए फ्रिज बना। वो पानी रखने के लिए नहीं बना, दाल रखने के लिए नहीं बना, सब्जी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रिज आया, ये हमारे लिए नहीं बना। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी, तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके ही घर में फ्रिज। क्या करें, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, अपने बच्चों को नहीं समझा सके, दूसरों को कैसे समझाएंगे। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है रेफ्रिजरेटर। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है और शायद बाघभट्ट ने भी, ये दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। बाघभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। रोटी बनी, बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बाघभट्ट जी का है, 3,500 साल पहले यह शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं। बाघभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी, उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते हैं, 364 दिन नहीं खा सकते। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अगहन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बाघभट्ट जी का दिन भी वही पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है, त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए,
इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। भागवती जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में तीन दोष है, वो आप सब जानते हैं, वात पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात पित्त कफ तीन दोष है, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो, तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात पित्त कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भागवती जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए, तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। चेन्नई में बहुत महंगा है स्थान, एक स्क्वायर फुट का क्या भाव है, 3000। तो फ्रिज अगर रखा है मान लो 5-7 स्क्वायर फीट में, तो 3000 में 5 का गुणा कर लो, 15000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिंदगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है। मेरी विनती है कि जिन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदे। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है, सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC-1, CFC-2, CFC-3, CFC-12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं, अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई CFC का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए। और एक तीसरी बात जो मैंने कल आपसे शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है। इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं ना गर्म करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गर्म होता है, पूरा नहीं होता। गर्म होने के लिए हमारी जो कल्पना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए, वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया। पानी गर्म करके उसमें कोई चीज डालें तो सही गर्म होती है, और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं। और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, आपके लिए नहीं है क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी है। तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूं, आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है, वो बदल दीजिए। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मजबूरी की चीजें हैं, ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है या मेरे घर में, आप इसको शर्म से बताइए कि मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था, मेरा विवेक शून्य हो गया था, तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया, और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए। ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है ये जैन दर्शन में भी है।